करनाहा पुल के नजदीक वैकल्पिक मार्ग हुआ शुरू, भारी वाहनों की आवाजाही की दी जा रही इजाजत। हाईवे पर जाम से काफी हद तक मिला छुटकारा। टैंकरों से गैस चुराने के गोरख धंधे का हुआ पर्दाफाश। सांबा पुलिस ने 2 टैंकर, 41 गैस सिलेंडर किए जब्त। 2 को किया गिरफ्तार, टैंकर चालक मौके से हुए फरार। नासूर बन चुकी बीमारी का जम्मू में हुआ सफल इलाज। तीर्थराम के लिए वरदान बना बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने टांग काटने के बजाय बनाया चलने फिरने लायक। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। करीब 5 महीने पहले तरनाहा पुल के क्षतिग्रस्त होने से समस्याएं झेल रहे भारी वाहन चालकों को राहत मिली है। इस पुल के नजदीक अस्थायी वैकल्पिक मार्ग पर आज से भारी वाहनों की आवाजाही ट्रायल के तौर पर शुरू कर दी गई है। इससे हवाई हाईवे पर जाम की स्थिति से जूझ रहे लोगों को काफी हद तक राहत मिली है और इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता यहां पर ज्वाइन करेंगे। आपको ये बता दें कि तरनाहा ब्रिज के टूटने के बाद से वैकल्पिक मार्ग शुरू किया गया था, लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग पर सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स को ही जाने की जो इजाजत थी वो दी जा रही थी, लेकिन अब जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनके लिए भी यहां पर जाने की इजाजत उन्हें दी जा रही है। आज इसे ट्रायल के लिए खोला गया है। पूरी जानकारी क्या कुछ है इसके लिए हमारे साथ यहां पर रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से जानते हैं। रंजीव, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब ट्रायल बेसिस पर इसे खोला गया है, भारी वाहनों को किस तरीके से अब ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है? बिल्कुल पल्लवी, मैं बताऊं कि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो वैकल्पिक मार्ग, जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग जिसको तैयार करने की बात हमने 2 दिन पहले खबर लगाई थी कि जल्द ही इससे ट्रैफिक गुजरेगी, आज उससे ट्रैफिक जो है, जो बाहरी वाहन है उसको भी वहां पे छोड़ा गया है, जिसके चलते यहाँ पे लोगों को काफी, जो वाहन चालक है उनको काफी जो राहत मिली है, उस राहत से काफी लोग खुश हैं। और जाम की स्थिति जो बनी थी दयाला चाको चढ़वाल के इस पुल के किनारे के दोनों तरफ, वो उससे काफी हद तक राहत मिली है। लोग अब सीधे दयाला चाक से सीधे चढ़वाल तरना नाले के बीचों बीच से जो बने दोनों वैकल्पिक मार्ग है उससे वाहन जो है वो गुजर रहे हैं। हैवी वाहन जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि जो बड़े वाहन है वो भी नाले के बीचों बीच से गुजर रहे हैं, तो इससे काफी राहत मिली है। आपको बताऊं कि कल भी हमने खबर चलाई थी कि जो बॉर्डर के इलाके से जहां से 3-4 महीने लगातार ट्रैफिक डाइवर्ट रही हाईवे के ऊपर, वहां पर लोगों की तरफ से काफी एहतजाज किया गया, काफी वहां पर सड़क हादसे हुए, 8 से 10 लोगों की वहां पे मृत्यु भी हुई, कई लोग घायल हुए। उसके बाद सीमांत लोगों का एक शिष्टमंडल DC कठुआ से भी मिला था और लोगों को राहत देने की बात की गई थी। और कल शाम को DC कठुआ राकेश मीनास द्वारा एक आदेश दिया गया, जिसके बाद से ये जो दूसरा उत्तरी क्षेत्र जो है उसका इलाका है, जो जो क्षतिग्रस्त पुल हुआ है उसके साथ में एक और जो बनाया गया वैकल्पिक मार्ग है उसको भी खोल दिया गया, जिससे काफी राहत लोगों को मिल रही है। आपको बताऊं कि गुलिस्तान न्यूज द्वारा ये कल भी खबर ब्रेक की गई थी और उसके बाद से ही अब उसका असर जो है चंद घंटों के बाद ही देखने को मिला है और लोगों को काफी राहत मिल रही है। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से इस क्षतिग्रस्त पुल की खबरें लगातार दिखाने के बाद प्रशासन लगातार हरकत में आ रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतें हैं, जो लोगों की हैं वो जहां काफी हद तक अब दूर हो रही हैं। बिल्कुल वहीं पर रंजीव, एक सवाल यहां जानना चाहूंगी, तरनाहा ब्रिज को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट जारी होनी थी और उसका जो समय था वो भी अब नजदीक आता जा रहा है, तो क्या इस पर, इसको लेकर कोई टीम जो है वो अभी तक सर्वे इस पे कर रही है या नहीं? बिल्कुल, सर्वे की बात करें तो सर्वे की बात नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से की गई थी, लेकिन उसके चलते वहां पर अभी सर्वे की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन क्षतिग्रस्त हिस्सा जो है पुल का उसको तोड़ने का काम पिछले 10-12 दिन से जारी है और काफी सारा हिस्सा जो क्षतिग्रस्त था उसको तोड़ दिया गया है। अब वहां पर नए पिलर बनाकर उसको फरवरी में जो उसकी डेडलाइन है उसको तब तक उसको तैयार करने का जो टाइम रखा गया उसके मुताबिक शायद वो वहां तक तैयार हो जाएगा,
लेकिन तब तक वैकल्पिक मार्ग से ही लोगों को गुजरना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता, और वहीं पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि वैकल्पिक मार्ग से अब भारी वाहनों को भी जाने की इजाजत दी जा रही है। इससे पहले सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स को ही जाने की जो इजाजत थी वो दी जा रही थी, लेकिन अब इसे ट्रायल बेसिस पर हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए भी खोल दिया गया है। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं। सांबा पुलिस ने LPG गैस टैंकरों से गैस चुरा कर उन्हें सिलेंडर में भरकर बाजार में कम दामों में बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 गैस टैंकर और 41 गैस सिलेंडर जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये पूरा खेल पिछले 3-4 महीनों से चल रहा था, और दोनों टैंकरों के चालक मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि इस घोरक धंधे में शामिल कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ ऋषि यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आप जानकारी दें। ऋषि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आप अपना प्रश्न दोहराएं। ऋषि, मैं इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, और इसके बारे में किस तरीके से पुलिस को जो है वो फीड मिली थी। देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि ये एलपीजी गैस की पिलफरेज यानी चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। असेंजल कम्युनिटी आप इसे कह सकते हैं, उसी को लेकर पुलिस ने एक नेक्सस का भांडाफोड़ भी किया है, और ये नेक्सस पिछले 3 से 4 महीनों से चल रहा था। देखिए, पंजाब की तरफ से आने वाले जो इंडियन गैस टैंकर है जो की बड़ी वामना के बॉटलिंग प्लांट तक जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये रास्ते में रुकते हैं बाड़िया इलाके में, और ये एक परमानेंट ठिकाना जो है वो इनका बन चुका था। जो ड्राइवर है टैंकर के, उनकी कुछ लोगों से सेटिंग हो चुकी थी, और इसमें जो है पिलफरेज ऑफ एलपीजी गैस का जो पूरा मामला सामने आया वो यही है कि यहां पर जो गैस है वो टैंकर से एक्सट्रैक्ट की जाती है और उसमें कमर्शियल सिलेंडर में भरी जाती है ये गैस। इसमें जो गैस भरवाने वाले लोग हैं वो भी काफी मात्रा में शामिल हैं, और जो गैस टैंकर के चालक हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो पुलिस को एक स्पेसिफिक इनपुट हासिल होता है, उसके बाद पुलिस जो है वो देर रात को लगभग 2 बजे के आसपास इस पूरे इलाके में पहुंचती है और रंगे हाथों 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है जो कि गैस जो है वो इन टैंकर से एक्सट्रैक्ट करके सिलेंडर्स में भर रहे थे। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां मौके से जो वो चालक फरार हो जाते हैं। 2 चालक बताया जा रहा है कि वो फरार चल रहे हैं, हालांकि उनकी आइडेंटिफिकेशन भी पुलिस ने कर ली है और वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे, जिसको लेकर पुलिस अलग अलग एरियाज में रेड कर रही है। लेकिन 2 लोग जो रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं उनको पुलिस ने जो वो अपनी कस्टडी में ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू कर दी है, और इसमें जो है वो कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है जिसको लेकर हमें पूरी जानकारी मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इनसे कम रेट में गैस जो वो लेकर आगे मार्केट में बराबर रेट पर बेचते होंगे, या इस तरह का कोई ऐसा खेल इनकी तरफ से खेला जा रहा होगा। ये 3 से 4 महीनों से लगातार इस तरह की जो वारदात है ये देखने को मिल रही थी, लेकिन पुलिस को जब ये पूरी जानकारी मिली उसके बाद पुलिस की टीम यहां मौके पर पहुंची और 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बताया जा रहा है कि एक जो है मोतिया इलाके का है जो कि विजयपुर तहसील के अंतर्गत ये इलाका पड़ता है, और एक जो वो दयानिक इलाके का ये व्यक्ति है। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर्स की आप चोरी कह सकते हैं, उसमें जो गैस है वो इलीगल तरीके से भरी जा रही थी, यानी हम ये कह सकते हैं जो इलीगल तरीके से गैस की खरीदारी कर रहे थे या इलीगल तरीके से गैस को बेच रहे थे, इस पूरे नेक्सस का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। अब देखना यह कि इसमें क्या कुछ और चीजें सामने आती है, और इसमें पुलिस ने जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के तहत कुछ और धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जो चालक है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी के साथ भी धोखा कर रहे हैं, ये लोगों के साथ भी कर रहे हैं, और इनकी सेटिंग जो है वो कितने महीनों से कैसे इन लोगों के साथ हुई है, इसी को लेकर पुलिस जो है वो एक बड़े स्तर पर जांच अपनी शुरू कर चुकी है, और इसमें कुछ और खुलासे भी जल्द होंगे जो पुलिस ने इसमें दावा किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े नेक्सस का भांडाफोड़ पुलिस ने जो है कर दिया है, जो कि पिलफरेज ऑफ एसेंशियल कम्युनिटी कर रहे थे, यानी गैस एलपीजी गैस की चोरी कर रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस टैंकर में 41 ऐसे गैस सिलेंडर्स है जो इस टैंकर से गैस चुरा कर भरे गए थे, जिसके बाद से इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया गया और 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। उस बीच जो लोग फरार हुए हैं उनके लिए भी पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। नासूर बन चुकी टांग की बीमारी से जूझ रहे एक शख्स को आखिरकार जम्मू के डॉक्टरों ने चलने फिरने लायक बनाकर उसे इस मुसीबत से छुटकारा दिला है। उधमपुर निवासी तीर्थराम अमृतसर के साथ साथ चंडीगढ़ में भी अपनी टांग के ऑपरेशन करवा चुके थे, लेकिन राहत ना मिलने पर इन्होंने
अपनी टांग कटवाने का मन बना लिया था। तीर्थराम थक हार कर जम्मू के बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उनका इलाज कर उनकी निराशा को आशा में बदल दिया। अब तीर्थराम चलने फिरने लायक हो गए हैं और इस अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के गुण गाते हुए नहीं थक रहे। ये सर मेरी टांग खराब हो गई थी, प्रश्न कराए थे मैंने, 5-6 बार कराया अमृतसर में, एक बार चंडीगढ़ कराए थे, अब लास्ट में इधर आया था डॉक्टर साहब के पास, इन्हें हॉस्पिटल के बख्शी नगर, तो मैंने बोला मेरी टांग ही काट दो, अरे जुटता नहीं है। तो यहाँ पर मैं बड़े डॉक्टर साहब संजीव सर ने बोला कि नहीं टांग नहीं काटेगा, मैं आपका ट्रीटमेंट करेंगे पहले, तो उन्होंने किया सर अभी अच्छा हूँ, अभी चलने लायक हो गया, थोड़ा चल रहा हूँ ठीक है। डॉक्टर बोलते ठीक हो जाएगा, ठीक होता नहीं सर, जोड़ फिर निकल जाता है, रेशा रुकता नहीं था, इसका रेशा नहीं रुका कुछ नहीं, वो नसूर पानी जाता चलता रहता, यहाँ पर बंद हो गया सर अभी थोड़ा ठीक है। मैंने डॉक्टर से ये बोला सर, इन्होंने कि हम एक बार प्रश्न करेंगे आपकी हड्डियाँ गली हड्डी जो निकालेंगे और आपको सेट कर देंगे, टांग काटेंगे नहीं आपकी, तो उन्होंने नहीं काटा सर मेरा टांग, मैं कटाने आया था यहाँ पर, अभी मैं ठीक हूँ सर, थोड़ा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इधर सर, अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। जम्मू में बुधवार से जारी राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में फेंसिंग और जूडो के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। इन खेलों में पहले चरण में जूडो के मुकाबले करवाए जा रहे हैं और फेंसिंग के मुकाबले दूसरे चरण में होंगे। इन खेलों में देश भर से 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 24 नवम्बर को सम्पन्न होने जा रही है। नेशनल स्कूल गेम्स 2023 जिसे कि हम डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज की तरफ से यहाँ पे उनका आयोजन किया जा रहा है, जो 14 नवंबर को शुरुआत हुई थी इनकी और 24 को यहाँ पे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका समापन जो इसका होगा उसमें समारोह में आएंगे। और आपको मैं बताऊँ कि 8 साल के बाद वैली में ये गेम्स करवाई गई, फुटबॉल और वॉलीबॉल जो कि हमारे पिछले 3 तारीख को शुरू हुई थी और जिनका समापन अभी जम्मू में होगा। इसमें जूडो और फेंसिंग जो जम्मू में करवाई जा रही है, अभी जूडो चल रही है, इसमें 428 खिलाड़ी जो हैं 29 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स प्लस अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे नवोदय विद्यालय, CBSE, ONGC, इन सब जो जितने भी हैं संगठन उनका एक एक टीम आई हुई है और इसमें 450 करीब खिलाड़ी हैं और उनके कोचिज हैं और ये खेल 24 तारीख तक चलेंगे। सिंचाई विभाग की अनदेखी और लोगों की लापरवाही नहरों पर भारी पड़ रही है। लोगों द्वारा नहरों में कूड़ा करकट डालने से ये गंदे नालों का रूप धारण कर चुकी है, इससे कई बीमारियां भी पनप रही हैं। लोगों के ऐसे ही उदासीन रवैये के शिकार है जम्मू के तालाब तिल्लो से बहने वाली छोटी नहर, जो मौजूदा समय में गंदे नाले में बदल चुकी है। जम्मू नगर निगम द्वारा क्षेत्र के हर वार्ड से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इस नहर को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लोगों ने सिंचाई विभाग से नहर को गंदा करने वालों पर नजर रखने और गंदगी डालने वालों को भी भारी जुर्माना करने की बात कही है। बारे में यही कहेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा गंदगी का ढेर बन चुकी है, डस्टबिन बन गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी यहाँ गाड़ियाँ लगाई गई हैं, लेकिन उसमें भी लोग गंद नहीं डालते हैं। यहाँ से कुछ दिन पहले तो लुपिया साहब यहाँ के कॉरपोरेटर, उन्होंने खुद दौरा किया, उन्होंने कहा कि वो रिक्वेस्ट भी की लोगों से कि भाई नहर में गंद नहीं डालो, इतना गंदगी डालते हैं लोग नहर में जिसका कोई हिसाब नहीं, उनको तो कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, क्योंकि इरीगेशन डिपार्टमेंट भी पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। उनके जो मुलाजम हैं उनको ग्राउंड पेट्रोलिंग पार्टी बनानी चाहिए और उनको ये राउंड करना चाहिए आए दिन शाम को सुबह मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि इसमें इतनी गंदगी देखिए, इतनी गंदगी बुरी हालत है। यहाँ पे जो आसपास के जो घर हैं वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। डेंगू इतना ज़बरदस्त है जम्मू में जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आए दिन आप देखेंगे कि आज 10 दिन हो गए नहर को बंद हुई थी और यह लगता है कि पिछले 3-4 साल से इतना गंदा है, इससे ज़्यादा जो यूनिटी का नाला होता है सीवरेज का नाला, इससे बहुत ज़्यादा साफ है, पता लगता ही नहीं है कि ये नहर है या नाला है, सीवरेज का नाला है। मेरी यही रिक्वेस्ट है यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इसको अपने अंदर करके यहाँ के कॉरपोरेटर साहब से भी इसको साफ सफाई का ध्यान दें और जो लोग इसमें नहर में गंद डालते हैं उसमें सख्त जुर्माना होना चाहिए। ये नहर जो हमारी इतनी अच्छी नहर थी पहले, आज नहर का ये क्या बोलूँ मैं, इसके नहर के लिए बोल नहीं सकता, ये नहर ने ये एक नाला बन गया गंदा नाला, इसके लिए लोगों को बीमारियाँ लग रही हैं, मच्छर इतना है कि पूछो मत। लगता है कि काफी सारी बीमारियां से फैल रही हैं और जो लोग सैर करते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल बन चुकी है। सैर के लिए तो सैर नहीं, ये जहर बन चुका है, सैर का ये जहर बन रहा है,
वो लोगों को हर एक घर में एक बीमार पड़ा बंदा, टांगे दर्द नहीं हो रही है, बीमार हो रहे हैं, बुखार चढ़ रहे हैं, वो बीमारी इतनी है कि फिर पूछो मत। आरएसपुरा के गांव कोटली फतेह के निवासियों व दुकानदारों आदि के लिए पिछले कई महीनों से जी का जंजाल बनी सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होने से उन्होंने राहत की सांस ली है। उन्होंने इस काम को शुरू करने के लिए सरकार का आभार जताया है। उनके मुताबिक ये सड़क कीचड़ और पानी से भारी भरी रहती थी और जिससे कि उन्हें आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यही नहीं, आए दिन कई लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। नहीं आने जाने नैचुरली कल का कम लग गया, लुक पी है, बड़ा बड़ी मदद हुई है जी, सहूलत हुई मतलब लंघने की किन्नी परेशानियां दे बड़ी बुरी हालत पहले इन्हें मतलब खड्डे पेरे बड़े बड़े लंघना पड़ता बच्चे स्कूल तो जाते जब कप्पर की गंदी होंगी एक्सीडेंट बड़े होंगे हे तो हूँ कल का कम लगे तो बड़ी बड़ी मेहरबानी डिपार्टमेंट की मतलब कम चला कोलिमिया फतेह आरएसपुर पैदा ग्रां तो बड़ा शुक्रिया कि डिपार्टमेंट का और जेके चैनल का वगैरह जरा कि रोड बनाया गया हूँ बड़ी परेशानी होती ही पहले आए दिन एक्सीडेंट होते रहते ही बच्चे स्कूल जो किचड़ किचड़ होता ही बड़ा तो कपड़े उपड़े बड़े खराब होंगे ही बड़ा थैंक्स है बड़ा शुक्रिया डिपार्टमेंट का और जे के चैनल का गुलिस्तान चैनल का कि जी असं खबर सारी सारी प्रशासन तक पहुँचाई है तुम्हें शुक्रिया जी बड़ा थैंक्स प्रशासन का अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना ये सारी बड़ी पुरानी डिमांड ही चार पाँच साल की रोड का बड़ी खस्ता हालती लोगों पिछले ही बरसाती अपने जेब चा भी सारे दमाल दिए लोगों दुकानदार सारी ग्राही करी असी रोड भी थोड़ा सीधा किया अज मैं प्रशासन का और डिपार्टमेंट का बहुत बहुत तहे दिल कहीं शुक्रिया अदा करना और ठेकेदार का भी शुक्रिया अदा करना हूँ बड़ी अच्छी क्वालिटी कने काम करवा रहा है और आने वाले टाइम से लोगों सारी भी सुविधा होगी। मैं और भी अपील करना चाहना चीफ जनरल साहब कहना कि सारा जो पिछले वाला जिन्ना भी लिंक है इसी पूरा बाइनिंग करिए जोड़े दे जा लोगों आने जाने की परेशानी नहीं आवे। मीरा साहेब मलारिया सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों के मुताबिक 3 वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी द्वारा इस सड़क की मरम्मत की गई थी लेकिन अब इस सड़क के जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं जो आए दिन हादसों का सबब बन रहे हैं। लोगों ने पीडब्ल्यूडी के से जल्द इस सड़क की मरम्मत करने की मांग की है ताकि गड्ढों के कारण पेश आ रहे हादसों पर अंकुश लग सके। चार बंदे को इन्ने खड्डन पे लागे स्कूल भी है आर्मी स्कूल है बच्चे जंदे न इतने मोटरसाइकिल रोज एक्सीडेंट होंगे हाथ पैर भनिए सब बेही जाते इस तरह गवर्नमेंट अपील करने भाई इस रोड की जल्दी जल्दी आया जाए। मनाली डावे तो लिए मीरा साहब तक ये रोड चलता है और तीन अपनी तहसीलें इसी रोड की टच आदि ने अस रोड का जो 3 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने अच्छा काम कराया ही अस आखिर जो निके निके छोटे छोटे खड्डे बनी गए हैं आज दिन कोई ना कोई हादसा इतने हो रहा है। मैं अपने डाबंगले तो लिए तो लास्ट मीरा साहब तक ये जिते इतने खड्डे थोड़े थोड़े हो गए इनका पैचवर्क पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आनी इतने करे छोटे छोटे जितने इतने खड्डे हो गए कोई बड़ा हादसा नहीं है क्योंकि इधर आर्मी स्कूल भी कोल है के वी स्कूल भी हो और आवाजाही बड़ी है इस रोड पर। अस एल जी साहब अगे तो पीडब्ल्यूडी अगे अनुरोध करना चाहते हैं कि यहाँ जिनी जल्दी हो सके पैचवर्क का काम स्टार्ट किया जाए और जरा कि जो कोई कोई बड़ा हादसा नहीं हो। जम्मू के बहुफोर्ट इलाके में पीने के पानी की नई पाइपें बिछाने की परियोजनाओं पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों के मुताबिक जल शक्ति विभाग द्वारा पानी की इन पाइपों की को नालियों में बिछाया जा रहा है। इससे पहले भी विभाग द्वारा नाली में पाइपें बिछाई गई थी और गंदे पानी के कारण पाइपें जंग खाकर क्षतिग्रस्त हो गई थी जिससे कि पानी के साथ साथ गंदगी भी उनके घरों में पहुंच रही थी। अब एक बार फिर जल शक्ति विभाग नालियों में ही पानी की पाइप बिछाने का काम कर रहा है।
सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन योजनाओं का कितना लाभ जनता को मिलता है इसकी सरकार कभी समीक्षा नहीं करती है। लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने जिला सांभा के ब्लॉक रामगढ़ में स्थित धार्मिक स्थल सिद्ध स्वांखा में एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया था, लेकिन देखरेख ना होने के कारण ये गेस्ट हाउस अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। ये दृश्य किसी प्राचीन इमारत के नहीं है, बल्कि ये दृश्य ब्लॉक रामगढ़ की पंचायत स्वाखा बने गेस्ट हाउस के हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस गेस्ट हाउस का निर्माण वर्ष 2012-13 में किया था। इस गेस्ट हाउस का निर्माण धार्मिक स्थल सिद्ध स्वाखा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किया था, लेकिन रखरखाव न होने के कारण आज ये गेस्ट हाउस अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। गेस्ट हाउस के टूटे दरवाजे, खिड़कियां और परिसर में उगी जंगली घास इस गेस्ट हाउस की खस्ता हालत की कहानी बयान कर रही है। हाँ, शीशे टूटे हुए हैं, दीवारें मतलब खिड़कियां टूटी हुई हैं। इसकी रेमोडेशन तो करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए का पैसा वेस्ट हो जाता है। पैसा तो लोगों की पब्लिक के लिए है, पैसा तो लोग ये गेस्ट हाउस लोगों की सुविधा के लिए है, लेकिन सुविधा क्या है? सुविधा जीरो है। सुविधा जब सुविधा की बात करते हैं तो यहाँ जीरो है, क्योंकि रेमोडेशन नहीं होती है। गवर्नमेंट को ये इस पर ध्यान देना चाहिए। हाउसेस की बहुत बुरी हालत है, इसके खिड़की दरवाजे सारे टूटे हुए हैं। कोई भी सरकार कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसकी इतनी बुरी हालत है कि जहाँ पर अंदर कई कबूतर कई पक्षी मरे हुए मिलते हैं, अंदर कितनी बुरी खिड़की टूटी हैं, इधर मीटिंग्स होती हैं, कितने इधर दफ्तरी बंदे बैठते हैं, उनको नहीं, वो भी नहीं आगे बोलते हैं, उन बोलने और इसका रिपेयर कराएं। और ग्रामीण विकास विभाग ने लाखों रुपए खर्च कर गेस्ट हाउस तो बना दिया है, लेकिन इसके रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। स्थानीय लोगों की माने तो एक गेस्ट हाउस की शान मात्र एक वर्ष तक ही रही है, उसके बाद न तो इसकी ओर किसी ने ध्यान दिया और न ही किसी यात्री ने इसका प्रयोग किया है। बिल्डिंग तो बना देती है, लेकिन उसकी रेमोडेशन कौन करता है? गवर्नमेंट बना दी है, गवर्नमेंट को देखो ये गेस्ट हाउस है, इसका कोई माई बात नहीं है, इसका कोई रेमोडेशन है, कोई कुछ नहीं, रिपेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे पड़ा है, लाखों करोड़ रुपये का वेस्ट होता है। ये गवर्नमेंट को जो चाहिए, अगर कहीं भी बिल्डिंग बनाती है, अच्छी गल है, मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हमारे लिए गेस्ट हाउस हमारे लिए है, पंचायत घर हमारे लिए है, लेकिन उसकी रेमोनेशन भी करनी चाहिए गवर्नमेंट। जो इसकी बहुत बुरी हालत है, इसका काम कब से इसकी हालत बुरी चल रही है? कम से कम सर जब का बना हुआ है कम से एक साल रहा, इसकी हालत खस्ता होगी। बिल्कुल ना कोई बारी है, ना कोई शीशा, सब टूट फूट हो गया। इस गेस्ट हाउस की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है और इस गेस्ट हाउस की मरम्मत और रखरखाव को लेकर स्थानीय लोग कई बार ग्रामीण विकास विभाग से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ग्रामीण विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। स्थानीय लोगों ने सरकार से इस गेस्ट हाउस की मरम्मत करने और इसके रखरखाव के लिए चौकीदार को नियुक्त करने की भी मांग की है। हम चाहते हैं इसकी जल्दी जल्दी रिपेयरिंग हो और इधर अच्छे से अच्छी सी बिल्डिंग बने। इतना पैसा लगाया हुआ, क्या फ़ायदा इस पैसे का अगर ये बिल्डिंग वेस्ट हो जाए? इधर कोई आए ना, खिड़की दरवाजे सारे टूटे हैं, बाथरूम की इतनी बुरी हालत है, कह नहीं सकते कुछ। जनता को सुविधा देने के नाम पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर इमारत तो खड़ी कर देती है, लेकिन इन इमारतों का रखरखाव की व्यवस्था न होने से ये इमारतें चंद वर्षों में खंडर में तब्दील हो जाती हैं, और जिस उद्देश्य को लेकर सरकार लाखों रुपए खर्च करती है वह उद्देश्य भी पूरा नहीं होता और लाखों रुपए भी बर्बाद हो जाते हैं। रामगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट गुरुदास के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। तो चलिए, अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।